मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मीडिया ने उनसे भाजपा की विकास यात्रा को लेकर सवाल किए, जिस पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को लाभ दिलाने के लिए यह यात्रा बेहद अहम साबित हो रही है। विकास यात्रा के माध्यम से जनप्रतिनिधि सीधे जनता के साथ जुड़कर संवाद स्थापित कर रहे हैं और इससे हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। संभव है कि 25 जनवरी के बाद भी प्रदेश की कई विधानसभा में विकास यात्रा जारी रह सकती है। इस दौरान उन्होंने छात्र संघ चुनाव को लेकर भी अपना मत स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव के लिए समन्वय समिति बनी हुई है और वही इसका फैसला भी करेगी। चर्चा के दौरान जब उनसे कवि कुमार विश्वास द्वारा आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर सवाल किया गया तो उच्च शिक्षा मंत्री इस सवाल पर किनारा काटते हुए नजर आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे संगठन ने जो विधायकों की दृष्टि से विकास के कामों के लिए विकास यात्रा का जो प्लान बनाया था, बहुत सफलता के साथ हमने रविदास जयंती से जो विकास यात्रा प्रारंभ की, कल 25 तारीख तक ऐसा लग रहा कि हमने पूरे प्रदेश में इसको तय कर लिया था कि 5 से 25 तक करेंगे। लेकिन जिस ढंग से प्रतिसाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता स्वागत कर रही है, जनता की समस्या हल हो रही है और हितग्राहियों की संख्या और बाकी सब चीज़ों में जो लक्ष्य रखे थे उसके आधार पर मुझे लगता है कि कई विधानसभाओं में अभी और तारीख बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और जनता विकास के प्रति बहुत उत्साहित भी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ भी रही है और मुझे पूरा आनंद आ रहा है। मैं आज अपने प्रभार के जिले में दूसरी बार आ रहा हूँ डिंडोरी में, और हर कोई हमारे मंत्री विधायक सांसद सभी अब अलग अलग ढंग से लगे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस ढंग से जनता ने ये रिकॉर्ड बनाया है और ये इसका निश्चित रूप से लोकतंत्र भी मजबूत दिखाई देगा, शासन की व्यवस्था में भी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में जो चुनाव के पूर्व का भी समय है, जनता के हित में इसका भी सदुपयोग करें। शासन चुनाव तो हमने कहा है कि नए सत्र की बात है, नए सत्र में देखेंगे और इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी। विश्वविद्यालय की एक गतिविधि है छात्र संघ चुनाव, और उस नाते से विश्वविद्यालय समन्वय समिति के माननीय महामहिम अध्यक्ष होते हैं, सभी कुलपति सदस्य होते हैं, मैं भी एक सदस्य सम्मान्य होता हूँ, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में महामहिम की मौजूदगी में डिसाइड करें।